बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अमदुकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो वैकन है, वैकन HMI+PLC, यानी वैकन ब्रांड का जो तमाम स्टॉक है वो अवेलेबल है। और पहले भी हमने इसके हार्डवेयर की कुछ डिटेल्स आपसे शेयर की हैं, और आज हम इंशाल्लाह आपको आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वो है इसका एनालॉग मॉड्यूल। यानी इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के एनालॉग मॉड्यूल्स हैं वो हम किस तरह से PLC के ऊपर इंसर्ट करते हैं और इनके फंक्शन क्या हैं। तो ये देखें जी, इसके अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल है 2TC2DAI, यानी ये दो जो है वो थर्मोकपल को रीड कर सकता है और दो डिजिटल टू एनालॉग आउटपुट इसके अंदर अवेलेबल होती हैं, एक ही BD कार्ड। हालांकि ये जो ऑप्शन है ये बाकी PLC इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, और ये BD कार्ड है इसके अंदर, यानी दो एनालॉग इनपुट टेम्परेचर और दो एनालॉग आउटपुट 4 to 20 mA फीडबैक अवेलेबल है। इसी तरह ये देखें जी, LX3V2ADI, यानी ये दो एनालॉग इनपुट जो हैं 4 to 20 mA उनको रीड करने की एबिलिटी रखता है। तो ये इसके अंदर डिफरेंट तरह के हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो बाकी PLCs के अंदर अवेलेबल नहीं होती। और अगर मैं प्राइस के हवाले से बात करूं तो प्राइस भी इसकी बहुत ही मुनासिब है। तो ये हमारे पास वैकन का जो कम्प्लीट स्टॉक है वो अवेलेबल है। इसी तरह हमारे पास कुछ चाइनीज़ PLCs और HMIs भी अवेलेबल हैं लो कॉस्ट के अंदर। ये देखें, ये चाइनीज़ PLC है और ये चाइनीज़ HMI है। इसको खोल के भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें जी, चाइनीज़ HMI है 4.3 स्क्रीन के साथ। इसी तरह ये हमारे पास स्मॉल साइज़ के अंदर चाइनीज़ PLC है। ये देखें, तरह का जो कंप्लीट स्टॉक है हमारे पास अवेलेबल है, और इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन केबल्स। वैकन के अंदर जो हमारे पास केबल इस्तेमाल होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये केबल हम यूज़ करते हैं वैकन के साथ। तो ये भी इंपोर्टेड केबल है, ये भी बड़ी रीज़नेबल प्राइस के अंदर अवेलेबल है। तो आइए चलते हैं, हम आपको जो है वो एनालॉग मॉड्यूल फिजिकली दिखाते हैं और लगा के भी दिखाते हैं कि उसको PLC के ऊपर कैसे फिट किया जाता है। तो जी व्यूवर्स, ये हमने वैकन PLC जो है 1616 MR इसको अनबॉक्स किया है। तो आज हम जो है वो आपको इसके ऊपर एनालॉग मॉड्यूल जो है वो लगाने का तरीका बताएंगे। तो इसको जो है, इस जो हमारा कवर है इसको हम खोल लेंगे, साइड से इसका लॉक लगा हुआ है। तो जैसे हम इसको खोलेंगे तो ये इसके नीचे जो है हमें एक और चीज़ नज़र आएगी, वो है इसकी RS485 कम्युनिकेशन की पोर्ट्स जो कि इसके अंदर बिल्ट इन अवेलेबल हैं। ये फैसिलिटी आपको बाकी PLCs में नहीं मिलेगी, इवन मिट्सुबिशी या फैटक है, उसके लिए आपको सेपरेट से मॉड्यूल्स हैं वो परचेज़ करने पड़ते हैं। तो अभी अगर हमने इसके ऊपर BD कार्ड लगाना है तो इसके अंदर दो जो BD कार्ड्स हैं उनको इंसर्ट करने की ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें जी, पूरी फिटिंग्स बनी हुई हैं। तो फर्स्ट जो BD कार्ड है, ये देखें जी, हमने एक BD कार्ड न्यू निकाला है अभी। ये 2ADI BD कार्ड है, यानी दो एनालॉग इनपुट्स जो हैं वो उनको रीड कर सकता है। और ये देखें जी, फिटिंग के अंदर ही लगा हुआ है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो सेम फिटिंग है। ये देखें जी, इसको बड़ी आसानी के साथ हमने ऊपर से इसे नीचे की जाने पुश कर देना है, तो ये हमारी जो PLC है उसके ऊपर ये जो है लग चुका हुआ है। इसी तरह का एक सेम अगर हमने BD कार्ड इधर ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं सेम BD कार्ड ऐड नहीं करूँगा, मेरे पास एक डिफरेंट टाइप का BD कार्ड एक और अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है 2TC2DAI। तो इसको मैं लगाने का तरीका बताता हूँ। ये देखें जी, इसके ऊपर भी फिटिंग जो है वो बिल्ट इन फिटिंग बनी हुई है, तो ये भी इसके ऊपर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल मेथड है इसका। तो ये देखें जी, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, लेकिन इस टाइम ये जो है काफ़ी सारी एनालॉग आउटपुट और इनपुट्स को जो चलाने की एबिलिटी जो है इसके अंदर प्रोड्यूस हो चुकी हुई है, जस्ट दो BD कार्ड ऐड करने से। तो ये सारे इनके इंडिकेशंस हैं, यहाँ पे इनके पॉइंट हैं, ये साथ साथ इसके ऊपर मेंशन है, और 485 जो है उसके ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह तमाम जो दोस्त जो हैं इसको देखेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आपको वैकन PLC से रिलेटेड कोई भी PLC HMI या कोई भी किस्म का स्टॉक चाहिए हो, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन केबल्स, तो वो आपको जो है वो रेडी स्टॉक किसी भी टाइम मिल सकता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह ये हमारे पास देखें जी, HMIs भी अवेलेबल हैं वैकन PLCs की, वैकन ब्रांड की। तो ये भी मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, डिफरेंट साइज़ के अंदर वैकन की जो HMIs हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पास, पूरा स्टॉक अवेलेबल है।
इसके अलावा हमारे पास इसकी जो प्रोग्रामिंग है उसकी कंप्लीट हेल्प अवेलेबल है। अगर कोई कैंडिडेट जो है वो हमसे इसकी ट्रेनिंग लेना चाह रहा है PLC प्लस HMI प्रोग्रामिंग की, वो भी अवेलेबल है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।